Subscribe now to receive new updates every day. जब धोनी से हुई तुलना तो ये बोले लास्ट बॉल पर सिक्स लगाने वाले कार्तिक। श्रीलंका में हुई निदाहास ट्रॉफी के फाइनल में इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन दिनेश कार्तिक ने मैच की लास्ट बॉल पर सिक्स लगाते हुए टीम इंडिया को चैंपियन बनाया था। इसके बाद से ही रातों रात स्टार बने इस क्रिकेटर की तुलना टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी से हो रही है। कार्तिक को भी धोनी की तरह बेस्ट फिनिशर कहा जाने लगा है, लेकिन इस बारे में कार्तिक का सोचना अलग है। उनका कहना है कि वे तो टॉपर हैं और मैं तो अभी सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही हूं। चेन्नई में मीडिया पर्सन से बातचीत के दौरान जब कार्तिक से धोनी और उनके बीच तुलना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब धोनी की बात आती है तो बता दूं कि मैं तो अभी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ ही रहा हूं जहां के वे टॉपर हैं। वे ऐसे प्लेयर हैं जिनको मैं हमेशा देखता आया हूं। उनके साथ मेरी तुलना बिल्कुल गलत होगी। भले ही दिनेश कार्तिक धोनी को यूनिवर्सिटी टॉपर और खुद को स्टूडेंट बता रहे हों, लेकिन डेब्यू के मामले में कार्तिक उनसे सीनियर हैं। 4 महीने के गैप से किया था डेब्यू। 32 साल के हो चुके कार्तिक ने सितंबर 2004 में इंग्लैंड में हुई चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था, जबकि धोनी ने इसके 3 महीने बाद दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ हुई बायलेटरल सीरीज में पहला इंटरनेशनल मैच खेला था। डेब्यू के बाद अगले 14 सालों में धोनी तो भारत के रेगुलर विकेटकीपर और काफी सक्सेसफुल क्रिकेटर भी बन गए। वहीं कार्तिक टीम में अंदर बाहर होते रहे और जगह फिक्स नहीं कर सके। कार्तिक के मुताबिक उनका धोनी करियर पूरी तरह से अलग रहा और मेरा करियर पूरी तरह से अलग रहा। वे बेहतरीन इंसान हैं। वे ऐसे हैं जो रिजर्व रहता है और शर्मीला है। आज वे ऐसे व्यक्ति हैं जो युवाओं की मदद के लिए खुलकर बोलते हैं। मेरा मानना है कि इस तरह की तुलना पूरी तरह से गलत है। जैसा मैंने कहा, उन्हें हम यूनिवर्सिटी टॉपर कह सकते हैं, जबकि मैं तो यहाँ पढ़ ही रहा हूँ। मैं जिस स्थिति में हूँ उससे खुश हूँ। विजय शंकर का किया बचाव। दिनेश कार्तिक ने फाइनल मैच में धीमी बैटिंग करने वाले विजय शंकर का बचाव भी किया। शंकर फाइनल में मुस्तफिजुर रहमान की बॉल को समझने में नाकाम रहे थे और 18वें ओवर में सिर्फ 1 रन ही बना सके थे। कार्तिक ने कहा, विजय शंकर के पास प्रतिभा है। उसने बॉलर के तौर पर शानदार परफॉर्म किया है। जो प्लेयर बैटिंग ऑलराउंडर हो उसने दबाव में भी अच्छा खेल दिखाया है। मुझे उसका फ्यूचर काफी शानदार नजर आ रहा है। उसका रवैया अच्छा है और वो स्पेशल टैलेंट है जो कि उसे लंबे वक्त तक खेलने में हेल्प करेगा। Thank for watching. Subscribe now to receive new updates every day. And don't forget to drop a like, leave a comment.